भारती सॉफ्ट फ्रॉम इंग्लिश गुरु चैनल। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नए डेली यूज सेंटेंस जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यू शुड स्लीप नाउ मींस तुम्हें अब सो जाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है पालथी मार के बैठ जाओ। पर हमें बोलना पड़े कि पालथी मार के बैठ जाओ तो हम बोलते हैं सीट क्रॉस लेग्ड मीन्स पालथी मार के बैठ। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है अपने कपड़े बदल लो। जब भी हम स्कूल से घर जाते हैं या काम से घर आते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं कि अपने कपड़े बदल लो, तो अपने कपड़े बदल लो बोलना पड़े तो हम बोलते हैं चेंज योर क्लॉथ मीन्स अपने कपड़े बदल लो। नेक्स्ट सेंटेंस है कुल्ला कर लो। जब भी बोलना पड़ता है तो हम बोलते हैं रिंस योर माउथ मीन्स कुल्ला कर लो। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है पुस्तक को मत मोड़ो। जब भी हम पढ़ते रहते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं कि पुस्तक को मत मोड़ो, तो अगर बोलना पड़े कि पुस्तक को मत मोड़ो तो हम बोलते हैं डोंट फोल्ड अ बुक मीन्स पुस्तक। नेक्स्ट सेंटेंस है गलत बात मत करो। जब भी हमें बोलना पड़ता है कि गलत बात मत करो तब हम बोलेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस मतलब गलत बात मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे परेशान मत करो। यदि हमें बोलना पड़ता है कि मुझे परेशान मत करो तो हम बोलते हैं डोंट डिस्टर्ब मी मीन्स मुझे परेशान मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे मत सताओ बोलना पड़ता है तो हम बोलते हैं डोंट अनॉय मी मीन्स मुझे मत सताओ। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे गुस्सा मत दिला। हमें बोलना पड़ता है कि मुझे गुस्सा मत दिला तो हम बोलते हैं डोंट मेक मी एंग्री मीन्स मुझे गुस्सा मत दिला। आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सीधा बैठो हिलो मत। जैसे क्लास में टीचर बोलती है ना कि सीधा बैठो हिलो मत, तो यदि बोलना पड़े कि सीधा बैठो हिलो मत सीट स्टिल डोंट मूव मीन्स सीधा बैठो हिलो मत। नेक्स्ट सेंटेंस है सीधा नहीं बैठ सकती यदि बोलना पड़े तो हम बोलेंगे कांट सिट यू स्टिल मीन्स तुम सीधा नहीं बैठ सकते। सेंटेंस है सीधा खड़े रहो हिलो मत। टीचर डांटती है ना कि सीधा खड़े रहो हिलो मत, तो हमें बोलना पड़े कि सीधा खड़े रहो हिलो मत तो हम बोलते हैं स्टैंड स्टिल डोंट मूव मीन्स सीधा खड़े रहो हिलो मत। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है मोबाइल में खेलना बंद करो। जब भी बच्चे बहुत मोबाइल में बहुत खेलते रहते तो बोलते हैं ना कि मोबाइल में खेलना बंद करो, तो यदि हमें बोलना पड़े कि मोबाइल में खेलना बंद करो तो हम बोलेंगे स्टॉप प्लेइंग ऑन मोबाइल मीन्स मोबाइल में खेलना बंद करो। नेक्स्ट सेंटेंस है टीवी देखना बंद करो। जब भी हमें बोलना पड़े कि टीवी देखना बंद करो तो हम बोलते हैं स्टॉप वॉचिंग टीवी मीन्स टीवी देखना बंद करो। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है ठीक से ब्रश करो। जब भी घर में छोटे बच्चे रहते हैं उससे मम्मियाँ डांटती है ना कि ठीक से ब्रश करो, तो यदि बोलना पड़े कि ठीक से ब्रश करो तो हम बोलते हैं ब्रश योर टीथ प्रॉपरली मीन्स ठीक से ब्रश करो। जब भी हमें बोलना पड़े कि खाना जल्दी खत्म कर लो तो हम बोलते हैं फिनिश योर फूड क्विकली। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है नाखून मत चबाओ। जब भी छोटे बच्चे ऐसे नाखून चबाते रहते हैं तो बोलते हैं ना नाखून मत चबाओ, तो यदि बोलना पड़े नाखून मत चबाओ तो हम बोलेंगे डोंट बाइट योर नेल्स मीन्स नाखून मत चबाओ। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है ये सेहत के लिए अच्छा है बोलना पड़े तो हम बोलते हैं कि इट इज़ गुड फॉर हेल्थ मीन्स ये सेहत के लिए अच्छा है। शर्माओ मत। जैसे लड़की लड़का को देखकर शर्माते हैं, लड़का लड़की को देखकर शर्माते हैं तो बोलते हैं ना कि शर्माओ मत, तो यदि हमें बोलना पड़े कि शर्माओ मत तो हम बोलेंगे डोंट साई मीन्स शर्माओ। कि लड़की बहुत शर्माती है तो हम बोलते हैं कि वह बहुत शर्माती है, तो हमें बोलना पड़े कि वह बहुत शर्माती है तो हम बोलेंगे सी साइज अलॉट मीन्स वह बहुत शर्माती है। सीट के मत चलो। जब भी बच्चे पैर के सीट के चलते रहते हैं तो पेरेंट्स या टीचर बोलते हैं ना कि पैर के सीट के मत चलो, तो पैर के सीट के मत चलो यदि बोलना पड़े तो हम बोलते हैं डोंट ड्रैग योर फीट मीन्स अपना पैर के सीट का मत चलो। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उससे मिलने के लिए बेताब हूँ। हीरो या हीरोइन मिलने के लिए बेकरार रहते हैं या बेताब रहते हैं, तो यदि हमें बोलना पड़े कि मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हूँ तो हम उसे बोलेंगे I'm dying to meet him मीन्स मैं उसे मिलने के लिए बेताब। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें मेरी अनुमति की जरूरत नहीं है, तो यदि हमें बोलना पड़े कि तुम्हें ये मेरी अनुमति की जरूरत नहीं है तो हम बोलेंगे You don't need my permission मीन्स तुम्हें मेरी अनुमति की जरूरत नहीं है। आज का हमारा लास्ट
सेंटेंस है, कोई कसर मत छोड़ो। यदि कोई मेहनत करते रहते हैं तो हम बोलते हैं ना कि कोई कसर मत छोड़ना या कोई कसर मत छोड़ो। तो यदि हमें बोलना पड़े कोई कसर मत छोड़ो तो हम बोलते हैं डोंट स्पेयर एनी एफर्ट। डोंट स्पेयर एनी एफर्ट मीन्स कोई कसर मत छोड़ो। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।